जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम लोग अभी इस बेड में, ये जो बेड देख रहे हैं आप, ये बेड हम लोग का 6.5x5.5 का है, मतलब ये 6.5 और ये 5.5 है। तो इसमें अभी हम लोग इप्को का ये बेड का जो चाली हाइड्रोलिक होता है वो अभी हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं इसका हम लोग मतलब आपको अनबॉक्सिंग पहले करके दिखा चुके हैं। तो ये हम लोग कैसे लगाते हैं बेड में, तो ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और ये हाइड्रोलिक हम लोग कैसे लगाएंगे, ये सुमन और यहाँ पे ओमियम वो दोनों मिलकर आपको बताएगा और दिखाएगा अभी कि हम लोग कैसे इसमें चाली हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब करें इंटेड जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो। एक जो हाइड्रोलिक होता है ये फुल बेड को उठाने के लिए होता है और एक हार्ड होता है, हाफ होता है। तो ये जो हाफ चाली है यहाँ से हम लोग का ये वाला पल्ला हम लोग का उठेगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से दाग दिए, एक दाग यहाँ से देना होगा, यहीं से हम लोग का जो फिटिंग है हार्डवेयर का वो दाग से यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं और यहाँ पर इस दाग से ही हाइड्रोलिक हम लोगों का लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको मैनुअली बात करूँ तो यहाँ पे आपका मैनुअल ये वाला दिया रहता है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं इप्को का लिप स्मार्ट ये वाला, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे कहाँ पे क्या ड्रिल होता है और कहाँ पे फिटिंग होता है। 4 फुट 4 फुट हाफ सूता, यहाँ पे 4 फीट हाफ सूता, हाफ सूता। ओके चलो ठीक है, वहाँ पे मार्किंग कर दो। 4 फुट हाफ सूता लेना होगा। ये जो डायग्राम है ड्रिलिंग डायग्राम, इसके हिसाब से ही हम लोग जो भी करेंगे इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग मार्किंग वगैरह जो भी कर रहे हैं इसके हिसाब से कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको इंची हो या फिर एमएम में हो, दोनों मेजरमेंट में आपको समझना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो हम लोगों ने 5 मार्किंग किया है, एक वहाँ पे जहाँ पे चाली लास्ट हो रहा है, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 2, ये जो मेजरमेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना कितना है। टिप तो दिखाओ वहाँ पे दिखाओ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 इंच वहाँ से पहला वाला दाग है, फिर वो वाला आपका 4 इंच का यहाँ पे डिस्टेंस है, फिर इसके साथ ये वाला जो लास्ट है और ये वाला जो फर्स्ट है यहाँ पे ये 16 इंच, मतलब 16 इंच में आपका एक जो कम है। तो यहाँ पे आप ये वाला मेजरमेंट देख सकते हैं ध्यान से आप, तो ऐसे मेजरमेंट करके यहाँ पे आपको काम करना है। तो चलिए देखते हैं ड्रिल करके कहाँ पे क्या हम लोग का हो। अभी हम लोग ये वाला जो बीट मारे थे चाली रखने के लिए, तो अभी जो हम लोग ये वाला बीट मार रहे हैं अगर हम इसको नीचे में लगाएंगे तो वो चाली उसका हीट को होगा वहाँ पे, तो इसके लेवल करने के लिए हम लोग यहाँ पे 19mm का सॉलिड बीट मार रहे हैं ताकि ये लेवल होगा। तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये जो mm आप देख रहे हैं ये आपका 201mm ये वाला है, ये 90mm है, 96mm और ये यहाँ पे 410 402mm ये वाला डिस्टेंस है ये वाला। ओके तो चलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बीट ठोकने के बाद फिर से वो जो लाइन है उसका लेवल में दाग दे देना है और यहीं पे अभी ड्रिल होगा और ड्रिल होने के बाद जो उसका नट बोल्ट वगैरह है ये यहीं पे लगना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हम लोग मेजरमेंट किए हैं दाग दिए उसके हिसाब से ये वाला भी हम लोग चेक कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वहाँ पे होल होगा। तो ये जो मतलब ये जो डायग्राम है आपको डायग्राम के हिसाब से अगर करेंगे तो थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अभी जो हम लोगों ने वहां पे लाइन दिया था वो जो आप लाइन देख रहे हैं इसके मिडिल में ये जो होल है एकदम मिडिल सेंटर में उसका होल करके हम लोग मेजरमेंट जो है आपका ये पकड़ने के बाद ये हम लोगों ने दाग दिया, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे स्क्रू दे रहा हूँ। और यहाँ पे जब आप टॉप में पकड़ेंगे एक ऐसा रखना है कि 19 में उसमें लगा के आपको चेक कर रहे हैं ताकि इसका जो चाली का लेवल है वो वाला जो चाली का लेवल है वो दोनों एक हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रू टाइट देना ऐसा आपको इसमें 1.5 इंच का स्क्रू आप दे सकते हैं। बड़ा जैसे देख रहे हैं
ये वाला हम लोग का मेजरमेंट, अब ये साइड में लेफ्ट साइड में लगना हो गया जो मेजरमेंट है, और ये सब जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये सब सारा काटी है, पिन है एक डेढ़ इंच का, क्योंकि ये जो पट्टी मारा है इसको अगर हम लोग नहीं मोड़ेंगे तो उस पार निकल जाएगा, तो ये अंदर चाले के अंदर रहेगा तो वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगा जो आप देख रहे हैं कांटे वगैरह का दाग। तो ये पट्टी आपको मारना है जो आप देख रहे हैं 19 mm का सॉलिड, यहाँ पे ये जो चाली है बीट है इसके लेवल में हमको यहाँ है लेफ्ट डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला वाला, ये जो पहला वाला है 201 mm 96 mm और ये 402 mm, इसी के डिस्टेंस से ये वाला जो कलम्प है ये लगाना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग ये वाला जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला भी टाइट कलम्प हो गया है और ये भी टाइट, ये चारों स्क्रू आपको देना है ताकि इसमें ही सारा सपोर्ट रहता है, तो ये चीज़ आपको देखना है और ये चारों स्क्रू आपको देना है, यहाँ पे दो अभी बाकी है जिसमें भी देना है हम लोगों को, और इधर आपका हो गया है, ये आपका लेफ्ट साइड वाला है बेड का, ये इधर हम लोग का हो गया है, अभी ये जो स्ट्रक्चर वाला ये वाला हो गया है और ये वाला हो गया है। अब इसके ऊपर जो ये इस सब में जो आप देख रहे हैं ये सब में अभी नट बोल्ट होगा सारा, जो चाली है इसका इस टाइप का जो चाली है यहाँ पे अभी ड्रिल करके यहाँ पे एक नट पड़ेगा, तो वो आपका टोटल यहाँ पे 3 से 4 नट पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 पीस 6 पीस आपको यहाँ पे नट पड़ेगा जैसे कि ये वाला बीट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हाफ चाली है, ये 4 फीट का है और उधर आपका 30 इंच का वो मैनुअली हाथ से खुलेगा, वो बहुत कम ही खुलेगा, यहाँ पर आपका ये प्रोविज़न है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था पूरा चाली उठाने का, तो इस चाली में हम लोगों को हाफ चाली उठाना है, तो ये भी मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये जो हम 40 फीट है, अब इसके मेजरमेंट से यहाँ पे अंदर घुस के हम लोगों को यहाँ पे मेजरमेंट करके ड्रिल करके इसमें नट बोल्ट करना है, और ये जो आपको ध्यान देखना है कि ये जो क्लियरेंस है ये जो गैप है ये गैप थोड़ा सा आपको मोटा मोटा आपको रखना है, 4 से 5 mm का गैप रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए जब आप 40 को उठाएंगे तो यहाँ पे घसाई ना पड़े, मतलब ये दिक्कत ना हो, इसलिए ये वाला गैप जो है आपको जो आप देख रहे हैं ये गैप आपको चारों तरफ से रखना है, इधर ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप ये गैप आपको ऐसा करके रखना है, ओके। तो चलिए अब ये अंदर जाके ये जो हम लोग का अंदर का जो मेजरमेंट था वो उसको अंदर में जाके दाग देना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेड के अंदर जाके जहाँ पे वो कलम पड़ रहा है कलम के पास से वहाँ पे दाग देना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं होल्स, जो भी होल्स है वहाँ पे आपको दाग देना पड़ेगा। यहाँ पे 4-5 कितना होल्स पड़ रहा है सुमन? 3 पीस ना, 3 होल देना पड़ेगा अंदर में जो मेजरमेंट है ये आप देख सकते हो, वहाँ पे 3 होल का मेजरमेंट देना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे ड्रिल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें भी हम लोग का वहाँ पे होल होगा। ये चाले का अंदर दाग दे दिया, देखिए 1 होल्ड यहाँ होगा, ये ठीक है। तो और जैसे कि आप ये नट बोल्ट देख रहे हैं ये नट बोल्ट हम लोग का पड़ेगा और इसका जो थिकनेस है जो डाया है ये 2 सूता का है, मतलब आपका 1/4 है, ये आपका हम लोग इसको एक जॉ बोलते हैं, तो ये एक जॉ का डाया है और ये जो लंबाई ये देख रहे हैं ये 2 इंच का है, तो ये हम लोग का 3-6 पीस लगना है ये वाला, ये नट बोल्ट है और इसके साथ वाशर भी रहेगा, तो वाशर भी आपको देना है, तो ये वाला आपका नट बोल्ट यहाँ पर। अभी ये जो अभी हम लोग बेड में इसके अंदर में जो दाग दिए थे ये यहाँ पे जो आपको पीछे साइड में था ये अभी हम लोग निकाल के यहाँ पे एक ये वाला ये और ये ऐसा करके यहाँ पे सारा दाग दिया हुआ है, तो इसी में सारा हमारा ड्रिल होगा,
और जो राउंड वाला में है, राउंड वाला में हम लोग का यहाँ पे ड्रिल होगा। जैसे कि देख रहे हैं ये तीन, और ये तीन होल पड़ा है, अब इसमें ही हम लोग को नट देना सोचा। तो जैसे कि ये होल्स था, अभी यहाँ पे होल्स में ये वाला ऊपर से नट देना है वाशर के साथ। ये वाशर है, तो कभी भी क्या होता है कि कभी भी ये वाशर जो है मान लीजिए नट वगैरह कटने का चांस होता है, तो यहाँ पे वाशर वगैरह हम लोग दे देते हैं प्लाई, तो उसका जो मजबूत होता है प्लाई वगैरह का थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ता है, कटने का चांस नहीं रहता है। तो ये सब में ही आपको तीन नट बोल्ट यहाँ पे वाशर के साथ में देना है, तीन तीन छः। तो ये अभी नॉर्मल जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन टाइट देना हो गया है। अब नीचे से इसको उठा के आप आराम से टाइट दे सकते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उठा के कि टाइट करना, मतलब नीचे से भी आपको रेंच से या फिर आप जिससे भी आपको सुविधा होगा उससे आप टाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आप ये वाला, अभी हम लोग ये नट नीचे में टाइट देने के बाद ये जो प्रोसेस था, अभी ये जो पंप है, अब ये पंप को यहाँ पे ये जो निकला हुआ है ये पंप आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है लगाओ। जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं ये वाला लगाने के बाद थोड़ा सा, हाँ ये हो गया, अब इसको अच्छे से आपको अरे थोड़ा सा उठाओ सामान, और ये जो बोल्ट है अच्छे से आपको टाइट देना है नट बोल्ट को दोनों में ही। इस साइड में भी हम लोग लगाएंगे वैसे ही, ये लग गया है हम लोगों का, ये देखिए अभी इसको हम लोग सही सभी नट बोल्ट को अच्छे से आपको टाइट देना है, जो भी है ये पंप वाला, ये वाला, ये जो फ्लेम है इसका सारा ही आपको अच्छे से टाइट देना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो सभी में हम लोगों ने नट दे दिया है, अब इसको मैं आपको, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी हम लोग का ये वाला चाली लगाना हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया। तो ये वीडियो में आपने देखा कि ये जो चाली था हमारा ये हाफ चाली था, तो इसको हम लोगों ने लगा दिया, और इस वीडियो में आपने जैसे देखा दोस्तों कि चाली कैसे लगाते हैं। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि ये देख लिया, ये पूरा हम लोग चाली लग गया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही,